Good morning, students. Welcome back to your science class. I am Gayatri Kode, your science teacher, and today I am starting chapter 3, Our Houses and Clothes. Our houses, hamare ghar, and clothes, kapde. In this chapter, you will learn about keeping a house clean, fibers and fabrics, clothes we wear. So let's start. First, we will discuss about keeping a house clean. Keeping a house clean. House ko clean rakhna. So, let's start. Houses can be small or big. Houses chote bhi hote hai aur bade bhi hote hai. They may have one or many rooms. Unme one rooms bhi hote hai aur kai rooms bhi hote hai. A house should be kept clean and tidy. Jo house hote hai unhe hame clean and tidy, यानि साफ सुथरे रखना चाहिए. A clean house help us to stay happy and healthy. Clean house हमें happy and healthy रखने में help करते हैं. An unclean house get germs, flies, mosquitoes, cockroaches and many other insects which spread several diseases. जो unclean house होता है, उसमें germs होते हैं, like flies. यानी कि मक्खियाँ, mosquitoes, cockroaches and many other insects. यानी और भी बहुत सारे ऐसे insect होते हैं जो unclean house में आ जाते हैं, which spread several diseases, जो कि कई बीमारियाँ फैलाते हैं. Living in a dirty house can make us ill. Dirty house में रहने से हम बीमार भी हो सकते हैं. A good house has the following features. जो अच्छा घर होता है उसके कुछ features हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं. First, sunlight. Sunlight means सूरज की रोशनी. Sunlight is needed for good health. Sunlight हमारी good health के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. It also kills harmful germs and stop them from growing. जो sunlight होती है वो harmful germs को kill यानि मारती भी है. A house should have windows to let sunlight enter. घर में windows यानी कि खिड़कियाँ होनी चाहिए जहाँ से sunlight enter कर सके. Clean and fresh air. Clean and fresh air help us stay healthy. Clean and fresh air हमें healthy रखने में help करती है. A house should have doors and windows to let in fresh air. घर में doors and windows होनी चाहिए जहाँ से fresh air अंदर आ सके. Plants should be grown around the house to make the air clean. हमें हमारे घर के चारों तरफ प्लांट्स भी ग्रो करने चाहिए ताकि वहाँ से होकर क्लीन एयर हमारे घर के अंदर आ सके. Then next, open doors and windows also allow flies, mosquitoes and other insect to come inside the house. खुले हुए दरवाजों और खिड़कियों से flies यानी कि मक्खियाँ, mosquitoes यानी कि मच्छर and other insect यानी जो अदर इंसेक्ट होते हैं, दूसरे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो अंदर आते हैं. डोर्स एंड विंडोज शुड बी कवर्ड विथ वायर नेटिंग टू स्टॉप देयर एंट्री इनटू द हाउस. तो हमें क्या करना है, दरवाजों में एंड विंडोज यानी कि खिड़कियों में वायर नेटिंग से उसको कवर करना है ताकि वहाँ से इनकी एंट्री ना हो और वो वहीं पर रुक जाए. इस तरीके से आपके घर में कभी भी फ्लाइज, मॉस्किटोज अंदर नहीं आएंगे और आप अंदर भी सेफ रहोगे. अ हाउस शुड हैव कवर्ड डस्टबिन टू कलेक्ट वेस्ट. घर में घर का जो वेस्ट होता है उसे कलेक्ट करने के लिए कवर्ड डस्टबिन भी होनी चाहिए. वी शुड पुट द हाउस होल्ड वेस्ट इन टू कवर्ड डस्टबिन ओनली. हमें हमारे घर का जो भी वेस्ट होता है उसे कवर्ड डस्टबिन में ही डालना चाहिए. वाई? बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे और अगर आपके घर के जो डस्टबिन हैं वो ओपन होंगे तो जो फ्लाइज, मॉस्किटोज और अदर इंसेक्ट जो है वो उसमें जाकर बैठेंगे जो कि जर्म्स को स्प्रेड करेंगे. ड्रेन्स शुड बी वेल कवर्ड टू कीप इंसेक्ट एंड रेट अवे. जो ड्रेन्स होते हैं आपके घर के, जहाँ से हमारे घर का जो वेस्ट वाटर है वो एग्जिट होता है, इस कॉल्ड ड्रेन. तो आपके घरों के जो ड्रेन्स होते हैं वो भी वेल कवर्ड होने चाहिए. उन्हें भी अच्छी तरीके से आपको कवर करना चाहिए ताकि जो इंसेक्ट और रैट्स है वो वहाँ से होकर आपके घरों में ना आए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ वायर नेटिंग ऑन विंडोज एंड डोर्स. इस तरीके से आपके घरों में जो विंडोज़ है और जो डोर्स है उसमें वायर नेटिंग होनी चाहिए
ताकि जो इंसेक्ट है, जो फ्लाइज है, वो आपके घरों में एंटर ना कर सके। एंड दिस इज़ डस्टबिन विथ कवर। जो डस्टबिन होना चाहिए वो वेल कवर्ड होना चाहिए ताकि उसके ऊपर भी किसी तरीके के कोई इंसेक्ट आकर ना बैठे, क्यों, अगर ऐसा होगा तो वो जो जर्म्स होते हैं वो आकर फैलाएंगे। देन नेक्स्ट, फ्लोर्स, किचन्स, बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली। हमें जो हमारे फ्लोर्स होते हैं, जो किचन होता है, बाथरूम्स जो होते हैं एंड जो टॉयलेट्स होते हैं, उन्हें रेगुलरली क्लीन करना।